हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर में ठीक ठाक होंगे। भाई तो हमारी भाई शुरुआत होती है अभी। टाइम क्या हो रहा है ब्रो? 8:10 हो गए। फोन कहाँ चला गया? हाँ भाई 8:10 हो गए और अभी उठ चुके हैं। फिर अभी फटाफट, हाँ वो तो नहा रही है और फिर उसके बाद अभी नहाएंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। कहाँ पे जाना है भाई आज पूरे दिन? अच्छा वृंदावन जाएंगे। अभी तुम जब मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो मैसेज गिन रहे थे, तुम एक दूसरे लड़ाई कर रहे थे। नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बताइए? अब पहले जाएंगे हम प्रेम मंदिर, पहले प्रेम मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, उसके बाद जाएंगे निधिवन, निधिवन, उसके बाद जमुना जी का टूर करके सीधा घर। प्रेम मंदिर सबसे पहले जाएंगे ना। मम्मी भी आ चुकी है गाइस, चाय वाय पी के अपनी। अभी नहाए नहीं मम्मी, अभी नहाएंगी। आप तो नहाओगे? रेडी कब होगे फिर? ना तो लिया आपने, अच्छा लग रहा है आपके ऊपर ये प्यारा सा सूट यार। कैसा लग रहा है? हाँ ये लेके आए थे, किस थे? व्हाइट वाले थे। अच्छी लग रही है। दिया पे फिर दोबारा से हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? निश्चल लगा कर लगा देते उस दिन। और कह रही क्या फोन नहीं है? फोन नहीं है मेरे पास, शीशा है तो कैमरा बाथरूम में है ना शीशा। कोई ना हो जाता है, कभी काला पीला मुँह करना भी जरूरी है। लास्ट में मुझे ही काम आना पड़ा तुम्हारे कैमरा पकड़ के, मैं ही काम आ रहा हूँ। पापा ने बोला तब आ रहे हो। अच्छा वैसे नहीं आता मैं तुम्हारे कभी काम? तो गाइस रेडी हो चुका हूँ मैं और मम्मी पापा सबके सब रेडी हो चुके हैं। और तुम्हारे भाई को देख लो, कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने कल ली थी राधे राधे की और उसके नीचे ब्लैक पैंट है और अपने वाले शूज है, ठीक है। ये रे भाई सारे के सारे, ये भाई भी रेडी हो गए फुल अपना कुर्ता पजामा पहन के, ये भाभी भी रेडी है, पापा भी, पापा तो फुल वाइट वाइट हो रहे, वाइट शूज हो रहे, वैष्णव भी फुल रेड रेड। ओके सही हो गए, ये बढ़िया लग रहा सूट आपका। चले फिर भाई गाइस, अब वृंदावन चलना है। वृंदावन वृंदावन चलो गाइस, अब सीधा वृंदावन चलते। ये रही अपनी गाड़ी, सारा सामान यहाँ पे रख देते हैं। ये बहुत फेमस यहाँ पे लेके आए हैं, कचौड़ी है और लस्सी वगैरह आएगी, मीठी लस्सी। ये मीठी लस्सी रबड़ी, सॉरी मीठी रबड़ी है ना, रबड़ी रबड़ी मीठी रबड़ी, रबड़ी नहीं है, लस्सी है, लस्सी और कचौड़ी और पूरी है। अच्छा अच्छा कैसी है कचौड़ी, कैसी है सच बताओ? मम्मी की तरह टेस्ट भाई, अपनी लस्सी भी आ गई और फुल टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। इन सब की भी आ गई, इन सब की भी आ गई। यहाँ से करवा रहे हम प्रसाद पैक, पेड़े वगैरह हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया, पेमेंट वगैरह कर दी है। कैसा है? बढ़िया। तो भाई हमारे हो रहे पैक, देखो डिब्बे आपको दिख रहे होंगे, ये हमारी है भाई। हो गए हमारे सारे के सारे, कर लिए हमने बहुत सारे पेड़े वेड़े ले लिए हमने, 5.5 किलो तो पेड़े पेड़े है ना। और मिठाई भी हो रहा है क्योंकि इसके अंदर भाई ये हमने लिए हैं, पापा ने अपने दोस्तों के लिए भी लिए हैं ऑफिस के कुछ, और हमने भी लिए वैष्णवी की मम्मी के लिए, और भाभी ने अपने घर के लिए, और हमारे लिए मैंने कॉलेज के अपने दोस्तों के लिए सबके लिए ले लिए भाई। अपनी गाड़ी भी आ गई है, देखो आपको दिख रही होगी हॉर्न मारते हुए। तो चलो भाई अब चल रहे सीधा वृंदावन। खेल रहे थे तो सीढ़ियों से गिर गया मैं, मतलब तगड़ी सीढ़ी तो ऊपर से बचपन में, तो पीछे ना बड़ा फूल गया, वो टटोला हो गया और थोड़ा सा खून भी आ गया था वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, पापा ने मेरे को मजाक में, मतलब गुस्सा आ रहा था किसी बात, यू कर दिया पापा ने। उसके बाद वहां से खून स्टार्ट हो गया और मतलब मेरे को दर्द नहीं हो रहा लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया। अरे अब खराब पति होते हैं ना, अरे वो बच्चे छेड़खानी, सब बच्चे सब क्या करते हैं, वो पैसे मतलब नहीं होता, वो तो जब वो छेड़खानी करते हैं और उनके को चोट लग जाती है तो ओहो मेरे बच्चे चोट लगी है करके वो भागते हैं। हमारे नॉर्मल आदमी पता क्या करते हैं, पहले कहते हैं मान जा, तो मान जा मत कर, लेकिन वो नहीं मानते बच्चे। अब चोट लगी तो चोट के ऊपर दौड़ मारते हैं, अब बोल होता है रियलिटी है। तुम्हारे साथ भी हुआ ऐसा? ठीक है तुम्हारे लड़के साथ नहीं होता, लड़के तुम बिटे हो मम्मी से भाई, लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। तो भाई यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी, पीछे आपको दिख रहा है भाई, मैंने इसको बोला था गाड़ी में यहाँ से मत उतर, काटे काटे मैं तो काटे पार करके जाऊंगी, फिर करी खून आ गया। यहाँ से गाड़ी यहाँ पार्क कर दी बिकॉज आगे से बंद था, तो अभी देखते कैसे रिक्शे के अंदर जाना है, कैसे क्या जाना है। तो भाई हम सारे लोग रिक्शे के अंदर बैठ चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए हम। रिक्शे के अंदर क्यों बैठे बताइए एक बार, क्योंकि फिर यहाँ वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में आया, एंट्री
हम नंगे पैर है क्योंकि यहाँ यहीं से फिर वहाँ पे ऐसे डालना भाई ये ब्रज भूमि है इसलिए हम यहाँ से जूते उतार के चल रहे हैं और ये पापा यहाँ बैठे और हम सारे यहाँ के एडजस्ट हो गए। तो इतनी सी जगह हम कैसे बैठ गए भाई इतनी सी थोड़ी टिपका रखी पीले 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 पानी मैं भी ना रुक गया क्या करना पीना भाई चैलेंज आपको ये रोड इसमें ऐसे पानी पी के दिखाओ भाई और अपना ना यहाँ पे फोन वोन बचा के रखना फोन तो मेरे पास ठीक है पर हाथ में लेके मत चलना क्योंकि अब अंदर फोन छीन लेते हैं पर वो देते भी नहीं है फिर वो फ्रूटी व्रूटी लेके उनके सौदा करना पड़ता है उनके पास सौदा करवा देना वो क्या पता फ्रूटी भी ले ले फिर फोन भी ना दे भाई अभी प्रेम मंदिर के पास हम आ गए हैं प्रेम बनाओ यहाँ पे आके हैं। अच्छा भाई चेकिंग वगैरह करवाते फिर चलते ओ भाई साहब ये देखो कितना प्यारा मंदिर है प्रेम मंदिर चलो 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 ये देखो गाइस क्या है क्या है वो कालिया नाग हाँ जी कैसी फीलिंग आ रही है बहुत सुंदर फील आ रही है अच्छा देखो भाई तो और पास से देखो आप प्रेम मंदिर जय श्री राम। तो भाई ये प्रेम मंदिर के पीछे की साइड है मतलब मेन गेट उधर की साइड था पीछे की साइड आए हैं तो और यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं ये देखो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना रखी है यार ये देखो कितनी सारी चीज़ें देखने की है यहाँ पे राधा कृष्ण गोपिया ही गोपिया अरे कहाँ चले गए ये देखो अच्छा ये वो है जब कृष्ण भगवान ने एक चुटली से जब वो उठा दिया था गोवर्धन वो उठा दिया था पर्वत वो रे कृष्ण जी। तो गाइस अब है दर्शन का टाइम चलो दर्शन कर लेते हैं चले भाई चलो 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 भाई चलो चलो ब्रो जय श्री कृष्ण राधे राधे। ये देखो गाइस अंदर कितना प्यार है अभी कृष्ण कृष्ण दिख नहीं रहे बिकॉज अभी उनका खाना खाने का टाइम है ये देख लो बाहर से देखो नारायण नारायण चलो देखो गाइस ऊपर झूमर। तो गाइस अभी बैठ जाते हैं यहाँ पे और फिर दर्शन होगा जब आपको दर्शन करवाऊंगा वही ना भाई प्रेम मंदिर के दर्शन हो गए भाई काफी बहुत 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 अंदर से ना ऐसी फील हो रही थी कि सच बता रहा हूँ मैं बस 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 आ जाए पर्दा खुल जाए और उनको देख के इतना अच्छा फील हुआ ना बहुत 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 अच्छा फील हुआ। और अभी इनकी थोड़ी थोड़ी सी रील बना देता हूँ मैं सबकी। तो गाइज अब निकलते हैं यहाँ से और राधे राधे प्रेम मंदिर फिर दोबारा आएंगे हम यहाँ पे। और अभी कहाँ जा रहे हैं हम बांके बिहारी जी के मंदिर में अच्छा बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं हम। तो भाई निकल गए यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं अपने मस्त तुम तो बहुत सारी बोल रहे थे बहुत सारी मिट्टी लेके जाऊंगी मैं सिर्फ बोलने के लिए बोलती हूँ लेकिन लेके थोड़ी बहुत सारे क्योंकि मेरे लड्डू को पाया ना पीना गड्डी में मैं और भिजवाऊंगी और थोड़ी सी अपने पास रखूंगी उसको मैं कभी कभी दिमाग शांत करने के लिए लगाया करूँ। दिन बहुत दिन बाद बड़े भाई की गोदी में बैठे हुए देखो चेयर पे बैठे हुए मस्त अपने थाई बार का है ना परसों टोपी खाएगा छोटा खाना प्यार कर रहा है तो गोदी में बहुत खिलाया इसने बहुत घेरा भी है इसने किसी का मैं किसी का इनको भाई अब उतर गए हैं यहाँ पे अब हम पूरा दिखा रहे देखो देखो कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे बांके बिहारी जी मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं हम। तो अभी 200 मीटर दूर है यहाँ से आप देख लो अगर आप लोग भी आए हो तो आपको पता होगा हमसे ज्यादा हम तो पहली बार मैं तो पहली बार आई ये पहली बार आई है मैं दूसरी बार आया हूँ चलो चलो हम ना ज्यादा से ज्यादा आए ज्यादा से ज्यादा मतलब साल में दो चक्कर लग जाए तो महीने में एक चक्कर साल में एक बार कौन आएगा। भीड़ देखो भाई कितनी तगड़ी भीड़ है कितना दूर हो रहा है बस आ गया आ गया चलो। तो गाइस हुआ ऐसा कि यार वहाँ पे इतनी भीड़ थी और आज वीकेंड था सीन ये हो गया कि वो बंद हो गया 12 बजे अब उसकी जो ओपनिंग है वो है 5 बजे तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और जो निधि वन है फिर हम वहाँ से घूम के निधि वन आए
फिर निधिवन वो भी बंद हो गया। हमारे यहाँ पे बोटिंग करने, और जो ये पेड़ बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं इस पेड़ पे गोपिया राधा जी सब अपने कपड़े वगैरह सुखाती थी। पता है आपको, इसका मूसा थोड़ा सा बन रखा है क्योंकि इसके दर्शन नहीं हुए। ये पहली पहली बार आई, हम तो लास्ट टाइम आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे, इसके नहीं हुए। कोई बात नहीं, इसके भी दर्शन करवा देंगे, हम तो उसे करवाने पड़ेंगे बाकी बिहारी लाल जी के। कोई बात नहीं, करवाएंगे, करके ही चलेंगे, है ना। चलो राधे राधे भाई। खाना आ गया अपना, इतने छोले हैं और ये पता नहीं क्या है, और अचार वचार है और आलू नान है। खा लो भाई फटाफट से, दर्शन करवाएंगे पक्का 100%। ठीक है, तो भाई खाना वाना खा लिया और अब उसके बाद हमें करनी है बोटिंग। मैं दिखाता हूँ आपको यमुना जी में हमें बोटिंग करनी है। तो भाई ये है हमारी अपनी यमुना जी, यहाँ पे हम करेंगे बोटिंग अभी। तो भाई ये व्लॉग काफ़ी लंबे होते जाएंगे, इस चक्कर में मैं अलग अलग रोक रोक के दो दो तीन तीन व्लॉग जितने भी कोशिश है निकाल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधे राधे लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके भाई।